कांग्रेस टीएमसी गठबंधन पर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन तय, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। दोनों दलों में फाइनल राउंड की बातचीत जारी है। कांग्रेस आलाकमान और ममता में जारी है बातचीत। कांग्रेस कोटे की 5 सीटों के नाम फाइनल। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा, ये सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है। चुनावी जो तालमेल था वो बैठा लिया गया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और कांग्रेस आलाकमान और ममता बनर्जी में बातचीत जारी है। कांग्रेस कोटे की 5 सीटों के नाम फाइनल हो गए, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही। तो पश्चिम बंगाल में जो इंडिया गठबंधन का एक घटक यानी टीएमसी, उसके साथ सीटों को लेकर जो तनातनी थी अब वो खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और ये भी कि 5 सीटें फाइनल की गई हैं, उनके नाम भी तय कर लिए गए हैं। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय, चुनाव को लेकर। तो ममता बनर्जी बंगाल की जिन 5 सीटों को कांग्रेस को देने के लिए राजी हुई हैं, उनके बारे में कुछ और विस्तार से आप समझ लीजिए। इनमें 2 सीटें कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी। ये सीटें हैं बहरामपुर और मालदा दक्षिण, ये 2 सीटें जिसको कांग्रेस ने जीती थी। बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं, तो वहीं मालदा दक्षिण से अबू हसम खान चौधरी सांसद हैं। अबू हसम कांग्रेस के दिग्गज नेता अब्दुल गरी खान चौधरी के भाई हैं। कांग्रेस को रायगंज की भी सीट मिली है, जो प्रियरंजन दास मुंशी की पूर्व सांसद पत्नी दीपा दास मुंशी की सीट है। और इसके अलावा कांग्रेस को ममता के विरोध वाली दार्जिलिंग सीट मिली है और मालदा उत्तर की सीट भी मिली है, जहां से पिछले साल बीजेपी को जीत मिली थी। तो ये वो सीटें हैं जिस पर एक तरीके से सहमति बनती नजर आ रही है और कांग्रेस को 5 सीटें मिलेंगी, ये सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है। इस तरह से सहमति बनी है टीएमसी और कांग्रेस के बीच। और इस बीच बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन से। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बेहद नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अधीर रंजन चौधरी ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी। टीएमसी कांग्रेस गठबंधन का ऐलान होने पर कांग्रेस छोड़ सकते हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन ने आला कमान को दिया है अल्टीमेटम, सूत्र हवाले से खबर। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अधीर रंजन। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, 2 बड़ी खबरें हैं, एक तो ये कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है, ये जो इम्पॉसिबल सा दिख रहा था वो पॉसिबल कैसे हुआ, और अधीर रंजन की नाराजगी की वजह? ये देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी से बात की है और उसके बाद जो चैप्टर बंद हो गया था उसको दोबारा खोला गया। 5 सीटें ममता देने को तैयार हैं, जो कि आपने बताया। उसके अलावा पुरुलिया, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर, 3 और सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी से मांग रही है। अगर उसमें से कोई एक सीट पुरुलिया भी मिल जाती है तो ये गठबंधन में फाइनल मुहर लग जाएगी। अभी तय नहीं हुआ है, 5 सीटें ममता देने को तैयार हैं। और दूसरी बात, जहां तक अधीर रंजन चौधरी की है, लगातार आप सुनते आए हैं अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं। उनका कहना है कि जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं, ऐसे में अगर ममता के साथ गठबंधन किया जाता है तो उनके लिए मुश्किल होगी। तो सूत्रों का यह कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान से कहा है कि ऐसा होगा तो वो पार्टी में नहीं रह पाएंगे। हालांकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार अधीर रंजन चौधरी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई में कुछ कुर्बानियां देनी होती हैं। तो ये चर्चा अभी जारी है। जी शुक्रिया विक्रांत आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।